गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अफगानिस्तान अब तालिबान का हो चुका है। महिलाएं डरी और सहमी हुई हैं। खौफ इतना है कि सड़कों पर तालिबान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। लेकिन ताजा मामले के बाद महिलाओं के मन में खौफ का आलम कितना होगा ये कहना जरा भी मुश्किल नहीं है। दरअसल तालिबानी हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक आदेश जारी किया, कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में लड़के और लड़कियों की क्लास अलग अलग होनी चाहिए और अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है तो बीच में पर्दे लगाने चाहिए। तालिबान के इस फरमान के बाद अफगानिस्तान के एक कॉलेज की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि लड़के और लड़कियों की क्लास चल रही है। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात वो ये है कि बीच में पर्दा है जो इन छात्रों के बीच देखा जा सकता है। तस्वीर में लड़कियों को अबाया रोब और नकाब में देखा जा सकता है। तालिबान ने अपने फरमान में ये भी लिखा था, यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सुविधा के हिसाब से छात्राओं के लिए महिला शिक्षकों को भर्ती करने की ज़रूरत है। ऐसा न होने पर बुजुर्ग और अच्छे चरित्र वाले पुरुषों को नियुक्त किया जा सकता है। बता दें कि तालिबान के फरमान में यह भी कहा गया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जैसी जगहों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट होनी चाहिए। वहीं महिलाएँ पुरुष छात्रों से 5 मिनट पहले अपना काम निपटा लें ताकि वे पुरुषों से घुलने मिलने की कोशिश ना करें। इसके अलावा जब तक पुरुष छात्र कैंपस से नहीं निकल जाते तब तक छात्राओं को वेटिंग रूम में ही रहना होगा। गौरतलब है कि तालिबान ने अपने पिछले कार्यकाल में महिलाओं को पढ़ने और नौकरी करने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। तालिबान ने साल 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान पर राज किया था और उस दौर में महिलाओं की आज़ादी और अधिकारों को छीन लिया गया था। यही वजह है कि तालिबान के दूसरे कार्यकाल में महिलाएं काफ़ी डरी हुई हैं। हालांकि तालिबान का कहना है कि वे इस बार सबके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में डर का माहौल बरकरार है।